मैजिकल बफेलो। एक गांव में नकुल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक चाचा था भ्रूनाथ। दोनों अलग अलग रूप डालकर चोरी करते रहते थे। एक दिन भ्रूनाथ बाबा का वेश बदलकर जगदीश चंद नाम के एक जमींदार के घर गया। उसके साथ ही एक भैंस भी थी। जगदीश ने बाबा को प्रणाम किया और ये क्या स्वामी जी, यूं सूचना दिए बगैर ही आप हमारे घर पधारे? मेरे आने का एक कारण है बेटा, मैं अपने दिव्य दृष्टि से ये लोगों की समस्या जान लेता हूँ। मैं जान गया हूँ कि आपके घर में कई समस्याएं हैं। क्या ये सच है? जी हाँ स्वामी जी, आजकल मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। मेरा बेटा पागल हो गया है। मेरी बेटी ने अपने पति को छोड़ दिया है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक जादुई भैंस लाया हूँ। यदि तुमने इसे रात को अपने घर में रखा तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं धन्य हो गया स्वामी जी, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, कल सवेरे लौटूंगा, कहकर चला गया। जगदीश ने उस भैंस को प्रणाम करके, यहाँ आओ माता। उस भैंस के अंदर बैठा नकुल गियर को बदल कर आगे पीछे करने लगा। वो खिलौने वाला भैंस आगे बढ़ा। वो यूं जाकर एक जगह रुकी। जगदीश और उसकी पत्नी ने उस भैंस की पूजा की। बेटा जगदीश, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जगदीश और उसकी पत्नी हैरान होकर देख रहे थे। ये क्या माते, आप तो हमारा नाम भी जानती हैं। मैं सब कुछ जानती हूँ बेटा, हाथ बढ़ाओ, कहकर जगदीश ने दोनों हाथ बढ़ाया। नकुल ने अंदर से कुछ फूल फेंके। वो भैंस के मुंह से निकलकर जगदीश के हाथों में गिरा। बेटा तुम्हारे घर के सारे गहने और रुपयों को एक थाली में बांधकर एक जगह रख कर इन फूलों को उसके ऊपर डालकर पूर्व की दिशा में प्रणाम करके जाओ। ऐसे करोगे तो परसों सवेरे तक ये पैसे और गहने दुगने हो जाएंगे। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए स्पेशल बोनस है। अरे वाह, क्या किस्मत है। उसकी पत्नी, ये क्या है जी, ये भैंस अंग्रेजी बोलती है? अरे ये जादुई भैंस है ना, सब भाषाएं जानती होगी। इतने में जादुई भैंस के बारे में जानकर अड़ोस पड़ोस के लोग भी फल लेकर आए। एक औरत ने उसके मुंह में एक सेब रखा। नकुल उसे लेकर, अरे फल तो हमें अच्छे लगते ही नहीं है यार, यूं सोचकर उसे पीछे फेंक दिया। वो पीछे से बाहर निकला। ये देखकर वो औरत, अरे वाह प्रताप मिल गया, कहकर उसे उठा लिया। यूं सब आम केले अनार उसके मुंह में डालने लगे। नकुल उन्हें पीछे रखने लगा। वे उन्हें पीछे से लेकर प्रणाम करके प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद नकुल तंग आ गया। प्यारे भक्तो, मैं फलों के साथ साथ पिज्जा और बर्गर भी स्वीकार करती हूँ। एक व्यक्ति ने पिज्जा लाकर उसके मुंह में रखा। अरे वाह, यूं सोचकर उसे खाने लगा। वो पिज्जा चढ़ाने वाला भक्त पीछे इंतजार करने लगा। ये क्या, अरे फल तो बाहर आ गए पर पिज्जा बाहर नहीं आया। उसने झुककर पीछे अंदर देखने लगा। नकुल ने एक गियर दबाया, उस भैंस ने उसे दुलत्ती मारा, वो दूर जा गिरा। बाद में जगदीश ने आकर, माते थोड़ा दूध दोगे, खीर बनाकर प्रसाद बांटूंगा। ठीक है बेटा, मेरे तन के पास बर्तन रखो। जगदीश ने झुककर बर्तन रखा तो नकुल ने अंदर से एक दूध का पैकेट डाला। वो आकर जगदीश के हाथ में गिरा। उसे देखकर जगदीश चौंक गया। इतने में अंधेरा हो गया। नकुल उस भैंस से बाहर निकला। अब आराम है, सवेरे से गर्मी में मर रहा था। नकुल चुपके से उस घर में घुसा। वहां सब सो रहे थे। नकुल उस कमरे में गया जहां गहने और रुपए रखे थे। उन सब का एक गठरी बांधा, उसे लेकर वो बाहर आया। फिर उन सब के साथ भैंस के अंदर जाकर सो गया। अगले दिन सवेरा हुआ। जगदीश उस भैंस के पास आकर, माते क्या मेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी? तभी उसकी पत्नी अंदर से आकर, अजी सुनो, अपने सारे गहने और रुपए गायब हो गए। क्या कह रही हो, तुमने वो कमरा खोला ही क्यों? मैं सच कह रही हूँ, शादी पर जाना था तो नेकलेस के लिए मैंने दरवाजा खोला। मैंने पुलिस को कंप्लेंट भी किया है। नकुल डर गया, तभी पुलिस वहाँ आई। तो रात को आपके घर में चोर आए, पर सारे गहने और पैसे बाहर क्यों रखा आप लोगों ने? इस जादुई भैंस ने हमसे कहा था बाहर रखने के लिए सर। क्या, जादुई भैंस, इसने कहा? कहकर उसको जांचने लगा।
इतने में भैरवनाथ का फोन आया। भैंस के अंदर फोन की घंटी बजने लगी। नकुल परेशान होकर फोन को ढूंढने लगा। ये क्या, भैंस के अंदर से फोन बज रहा है? ये जादुई भैंस सेलफोन भी रखती है क्या? कांस्टेबल्स, तलाशी लो। कांस्टेबल ने उसके पेट पर मार कर देखा। सर, टीन की आवाज आ रही है सर, उसे खोलो। कांस्टेबल्स ने खोला, अंदर नकुल था। सब चौंक गए। इतने में भैरवनाथ ने आकर, क्यों बेटे, मेरी जादुई भैंस ने अच्छे वरदान दिए? हाँ बच्चू, दिया। अब मैं इसे और तुम्हें दोनों को बढ़िया वरदान देता हूँ, कहकर उन दोनों को पकड़कर अरेस्ट किया। वाटर बॉटल बोट। शमशाबाद गांव में एक साइंटिस्ट रहता था, उसका नाम था डॉक्टर मुखर्जी। वो ज्यादातर वक्त अपने प्रयोगशाला में ही बिताता था। वो विभिन्न किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। उसे कई इनाम और पुरस्कार भी मिले। वो जबान का कड़वा था। वो हमेशा सामने वाले की निंदा करता रहता था और उसका अपमान करता रहता था। एक बार वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसकी पत्नी उसके लिए चाय लेकर आई। उसने उसे पीकर उसके मुंह पर ही दे मारा और, ये चाय ठंडी है, तुम जानते हो ना कि मैं ठंडी चाय नहीं पीता हूँ। वैसे भी पति के सेवा करने के अलावा तुम्हारा और क्या काम है? मैं इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ और तुम यूं ही खा पी कर यहाँ पड़ी रहती हो, जाओ यहाँ से, कहा उसने चिढ़कर। वो बेचारी रोती हुई वहाँ से चली गई। जब भी मुखर्जी को काम से ऊब जाता था तो वो बाहर निकलकर सैर करता रहता था। यूं एक बार नदी के पास जाकर सिद्धू नाम के एक बोट वाले से, अरे आजकल सैर करने में भी मजा नहीं आ रहा है, जरा तुम्हारे नाव में यूं ही एक चक्कर लगा आते हैं, चलो। क्या लोगे? क्या सर, आप भी? आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ सर, आप एक महान साइंटिस्ट हो, पैसों की जरूरत नहीं है सर, आइए चलते हैं। ये नाटक छोड़ो, मुझे तुम्हारी ये विनम्रता और मेहरबानी की जरूरत नहीं है, 1,000 रुपए देता हूँ, यूं एक चक्कर मार कर आते हैं, चलो। इस तरह दोनों बोट में बैठकर जा रहे थे। सिद्धू चप्पू चला रहा था और मुखर्जी इधर उधर देखने लगा। तुम इतने सालों से नाव चला रहे हो ना, क्या तुम जानते हो कि नाव पानी में तैरता कैसे है? क्या सर, इतना तो जानता ही हूँ, ये लकड़ी की बनी है ना, इसीलिए तैरती है। पर लोटा और घड़ा भी तो पानी में तैरते हैं ना, वो तो लकड़ी की बनी हुई नहीं है। सिद्धू को समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। अरे पगले, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ना चाहिए, उससे ज्ञान बढ़ता है, वो नहीं है इसीलिए तुम अज्ञानी हो। मैं बताता हूँ कि बोट क्यों तैरती है। When an object is placed in water, तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। किसी भी वस्तु को पानी में रखो तो दो शक्तियाँ काम करती, एक ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति और दूसरा है बोयंसी फोर्स। तुम समझे कि नहीं समझे? ध्यान से सुनो, यानी नाव को पानी में रखते ही यदि उसका भार उसके द्वारा विस्थापित पानी के भार से कम हुआ तो वो तैरेगा, अगर ज्यादा हुआ तो नाव डूब जाएगा, इसीलिए पत्थर पानी में डूब जाता है। ये शक्ल क्यों ऐसे बना रखी है तुमने, समझे कि नहीं? समझ गया सर, आपको दुनिया की बहुत सारे विषयों की जानकारी है, पर क्या आपको एक बहुत जरूरी चीज की जानकारी है या नहीं? क्या है इतनी जरूरी विषय? सर, नाव यदि पानी में डूब जाए तो तैरना, वो तो आपने सीखा है कि नहीं सीखा है? नहीं यार, मुझे तैरना नहीं आता। पर क्यों पूछ रहे हो? वो देखिए सर, दूर तूफान आने वाला है, नाव के उलटने की संभावना है, आप तैयार रहें। उसके कहे अनुसार ही एकदम तेज हवा, तूफान और आंधी से नाव उलट गया। सिद्धू मुखर्जी को लेकर एक टापू की ओर तैरता हुआ चला गया। बाप रे, मरते मरते बचा, थैंक्स भाई सिद्धू, तुमने मुझे बचा लिया। वैसे हम इस टापू से कैसे निकलेंगे? सर, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, कुछ ना कुछ तो कीजिए। अरे ऐसे ना कहो मेरे भाई, मैंने विज्ञान सीखने के चक्कर में मनुष्य के लिए आवश्यक सामान्य ज्ञान नहीं सीख पाया। तुम ही कुछ ना कुछ सोचो भाई। सिद्धू ने इधर उधर देखा तो वहाँ पर पानी के बहुत सारे बहकर आए हुए बोतल पड़े दिखाई दिए। उन्हें देखकर सिद्धू को एक तरकीब सूझी। उसने तुरंत बोतलों को जमा किया। मुखर्जी उतावला होकर देखने लगा कि वो कर क्या रहा है। इस तरह
सिद्धू ने उन बोतलों से एक नाव तैयार किया। दोनों उस बोट में वापस लौट रहे थे। सर, लगता है आपका वो ग्रेविटी फोर्स और बोयंसी फोर्स सही काम कर रहे हैं। बोट अच्छी तरह तैर रहा है। अरे आखिर तुम्हारी बुद्धिमानी ही काम आई, मेरे प्रयोग नहीं। तुमने मेरी आंखें खोल दी, बहुत शुक्रिया। अब से मैं किसी का भी अपमान नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तब से मुखर्जी अपनी पत्नी समेत हर एक से इज्जत से बात करके उनका सम्मान करके बर्ताव करने लगा।